हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज कर रहे थे 6.2 और उसका क्वेश्चन 1, 2, 3 हम सोल्व कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन 4 से हम स्टार्ट करेंगे। आप पेज नंबर ओपन कीजिए 98 पे, फोर्थ क्वेश्चन है और हम कर रहे हैं डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो क्वेश्चन 4 है द प्रोडक्ट ऑफ टू, नहीं क्वेश्चन 5 भी हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, तो क्वेश्चन 6 से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वेरीफाई करना है कि एक्स माइनस 11 इज द फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 33। यानी आपको देखिए, अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 33, इसको डिवाइड करना है एक्स माइनस 11 से। देखिए, ये इसी तरह है जैसे 15 को आप चेक करें कि 15 का 3 फैक्टर है या नहीं है। तो 3 5 जा 15, तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो 3 फैक्टर होगा 15 का। अगर नहीं आता, सपोज़ अगर हम 4 को चेक करें कि 4 15 का फैक्टर है या नहीं, तो 4 3 जा 12, 3 रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर 0 से अलग कुछ अदर नंबर तो ये फैक्टर नहीं होगा, अगर 0 रिमाइंडर आता है तो ये इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म एक्स है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, तो एक्स को मल्टीप्लाई एक्स से करने पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स को 11 से माइनस 11x, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस और ये प्लस, तो ये साइन कैंसिल है, आपका ये बचेगा प्लस के 3x माइनस 33। अब x में किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x हो जाए, तो होगा 3 से, 3 को x से किया 3x और 3 को माइनस 11 से माइनस 33, सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस और ये प्लस, दोनों टर्म कैंसिल, 0 रिमाइंडर। तो आंसर होगा यस, एक्स माइनस 11 इज़ द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 33। ओके, अब देखिए इसको चेक करना है, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6। इसमें देखिए m माइनस 2, इसको चेक करेंगे कि m माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो m को m से मल्टीप्लाई करने पे m स्क्वायर हो जाएगा, m को माइनस 2 से माइनस 2m, यस माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे माइनस के 3m प्लस 6। m को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3m हो जाए, तो माइनस 3 से, माइनस 3m और माइनस 3 का माइनस 2 से प्लस 6, ये प्लस और ये माइनस, दोनों टर्म कैंसिल, 0 रिमाइंडर। तो आपका यहाँ पे भी आंसर होगा यस। ठीक है, और अगला है m माइनस 3 से, m माइनस 3 भी पूछा है। देखिए ये m माइनस 3 इधर आ जाएगा, m माइनस 2, जैसे 3 आपको बताना है कि 15 के फैक्टर 3 और 5 है या नहीं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसी तरह m माइनस 3 को चेक करेंगे, ठीक है, वो आप कर लेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट, ये x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x, और इसको x स्क्वायर माइनस x। आपको ये चेक करना है कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का x स्क्वायर माइनस x इसका फैक्टर है या नहीं है। तो x को मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, x की पावर 5, तो x की पावर 3 से,
एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर 2 को करेंगे तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो एक्स की पावर 5 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 4। ओके, अब ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस के बचेंगे 5x की पावर 4 प्लस 7x का क्यूब। अब देखिए इसमें इसको इक्वल करना है तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर से, माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से माइनस 5x की पावर 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस पावर 2 और पावर 1 5 करेंगे 2x का क्यूब, नेक्स्ट टर्म 4x स्क्वायर, इसको इसके इक्वल करना है तो 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x स्क्वायर को, प्लस 2x, 2x से x स्क्वायर को किया तो 2x का क्यूब, 2x को x से किया तो माइनस 2x का स्क्वायर, माइनस और ये प्लस, तो ये बचेगा माइनस 2x स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म है 2x। अब देखिए x स्क्वायर को माइनस 2x स्क्वायर करना है तो माइनस 2 से माइनस 2, माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2 को माइनस x से प्लस 2x, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, जीरो रिमाइंडर, तो आपका आंसर होगा यस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट बिकम द फैक्टर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए कंसेप्ट ये सारे वही हैं जो नंबर्स पे अप्लाई होते हैं, जैसे हम पूछें कि 17 में से क्या डिवाइड कर, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 से डिवाइड हो जाए, 17 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 से डिवाइड हो जाए, तो 5 3 जा 15 2, तो सब्ट्रैक्ट 2, यानी आप रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है कि आपको पहले डिवाइड करना है और सब्ट्रैक्ट वो नंबर होगा जो रिमाइंडर आएगा, तो ये है 8y की पावर 4 माइनस 17y स्क्वायर प्लस 2, 4y की पावर 3, ये क्वेश्चन नंबर है 7, 4y की पावर 3 माइनस 8y। ठीक है, देखिए इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये 4y का क्यूब माइनस 8y से डिवाइड हो जाए, तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8 होगा और y का क्यूब है, यहाँ पे क्या आएगा y का की पावर 4 करने के लिए y से, तो 2y का मल्टीप्लाई करेंगे 4y क्यूब से, तो 4 2 जा 8, y का क्यूब y की पावर 1 y की पावर 4, 8 2 जा 16, माइनस में आएगा y इंटू वाई वाई स्क्वायर, माइनस और ये प्लस, तो यहाँ बचेगा देखिए माइनस के y स्क्वायर और प्लस के 2, तो यही आपको अब आगे टेबल नहीं जा सकता, तो ये आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, माइनस y स्क्वायर प्लस 2, अगर इसमें से y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, दैट्स क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये फाइंड वेदर द पॉलीनोमियल इज कम्प्लीटली डिवाइड। देखिए आपको ये बताना है इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं होगा, तो 4a की पावर 4 माइनस 8a की पावर 3
प्लस 5a² माइनस ए प्लस 1, और डिवाइड करना है आपको 2a² माइनस 3a प्लस 1। आपको ये चेक करना है कि कम्प्लीटली डिवाइड होता है ये या नहीं होता। अगर ज़ीरो रिमाइंडर है तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, अगर ज़ीरो से अलग कुछ और रिमाइंडर है तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। तो 2a² से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2a² को 2a, तो 2 जा 4a की पावर 4। अब 2 को 3 से, 2 जा माइनस 6 a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 माइनस, और ये प्लस, तो ये आएगा माइनस 2 a की पावर 3 प्लस 5a² माइनस a। तो देखिए ये और ये नंबर सेम है, केवल नहीं देखिए यहाँ पावर 2 है या पावर 3 है, तो माइनस a से मल्टीप्लाई करने पे 2a² को क्या हो जाएगा, माइनस 2a का क्यूब। तो माइनस ए को ये हो जाएगा 2a का क्यूब, माइनस ए को मल्टीप्लाई किया माइनस 3a से, तो क्या हो जाएगा 3a² माइनस इंटू माइनस प्लस a इंटू a² a का 1 से, तो माइनस a। ठीक है, 5a² अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचेगा 2a² प्लस 1। अब देखिए इसमें टेबल नहीं जा सकता, तो यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो। आपसे ये पूछा है ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से कम्प्लीटली डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर आपका रिमाइंडर ज़ीरो आता तो आंसर होता यस, क्योंकि आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है इसके लिए इसका आंसर होगा नो। अब देखिए सो दैट द एक्स प्लस वन इज़ द फैक्टर इज नॉट द फैक्टर। अब आपको ये दिखाना है कि एक्स प्लस वन जो गिवन पॉलीनोमियल है उसका फैक्टर है, यानी इसमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। देखिए ये है a की पावर 3 माइनस 2a² प्लस 3a प्लस 4। आपको दिखाना है a प्लस 1 कि a प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर ज़ीरो आता है। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे a को a² से, तब वो a का क्यूब बनेगा, a² से a को किया a का क्यूब, a² से 1 को किया a², सब्ट्रैक्ट किया माइनस माइनस, तो देखिए माइनस के 3a² प्लस के 3a प्लस, ठीक है। अब a को इसके इक्वल करना है तो a में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 3a से, माइनस 3a से a को किया तो माइनस 3a², माइनस 3a से 1 को किया तो माइनस 3a, ठीक है। ये प्लस और ये प्लस, यहाँ पे क्या आता है 6, ये आ जाएगा प्लस 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से, 6 से a को किया 6a और 6 से 1 को किया 6, सब्ट्रैक्ट किया माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब a माइनस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। ओके, यही आपको शो करना था कि a प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है,
चलिए शायद कुछ रिमाइंडर चेंज आ रहा है क्वेश्चन 8 का, एक बार फिर से देख लीजिए। 4a का क्यूब माइनस 8a की पावर 3 प्लस 5a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। टू ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई किया 2a स्क्वायर से तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर यानी 4a की पावर 4, 2a स्क्वायर को माइनस 3 से तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, a की पावर 3 और 2a स्क्वायर को 1 से तो 2a स्क्वायर। तो माइनस प्लस माइनस ये क्या जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर और प्लस के 3a स्क्वायर माइनस a। तो 2a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें किससे, 2a का क्यूब लाने के लिए a से, माइनस ए से, माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a की पावर 3, एक माइनस ए से इसको करेंगे तो प्लस 3a स्क्वायर, माइनस ए से 1 को करेंगे माइनस ए। तो देखिए प्लस माइनस ये प्लस ये सब कैंसिल हो जाएंगे और 1 रिमाइंडर, देखिए पहले कुछ रिमाइंडर चेंज आया था ठीक है, तो 1 रिमाइंडर आएगा क्वेश्चन 8 में। इसका मतलब ये पॉलीनोमियल इसका फैक्टर नहीं है। अब नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे डिविडेंट और वो दिया है क्वेटेंट, आपको डिविजर बताना है। फाइंड दी एक्सप्रेशंस बाय विच शुड बी डिवाइड। तो देखिए हमारा डिविजर इंटू क्योटेंट इज इक्वल टू होता है डिविडेंट। तो यहाँ पे डिविजर आपको बताना है, क्वेटेंट क्या है, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 5x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब देखिए आपको डिविजर कैलकुलेट करना है तो ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी 2x की पावर 4 माइनस 5x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसको डिवाइड करेगा 2x माइनस 5। तो 2x को 2x की पावर 4 के इक्वल करना है तो x के क्यूब से, x का क्यूब मल्टीप्लाई करेगा 2x को, तो क्यूब 2x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 माइनस ये प्लस ये सब कैंसिल, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x। नेक्स्ट टर्म ये इसके, तो x को देखिए 2x इक्वल करना है माइनस 2x, तो माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x से 2x को किया तो माइनस 2x स्क्वायर, और माइनस x ने माइनस 5 को किया तो 5x। ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल, माइनस के 2x प्लस 5। अब इसमें मल्टीप्लाई करें माइनस 1 से तो इसके इक्वल हो जाएगा, तो माइनस 1 ने 2x को किया तो माइनस 2x, माइनस 1 ने माइनस 5 को प्लस 5, प्लस और ये माइनस टर्म कैंसिल 0 रिमाइंडर। तो डिविज़र आ जाएगा x की पावर 3 माइनस x माइनस 1। तो देखिए ये हमारी इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, जहाँ पे क्या था डिवीज़न ऑफ एलजेब्रिक
एक्सप्रेशंस। वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और वर्क अपना फेयर कॉपी में डे बाय डे कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।